उससे सटे इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मुंबई में कई जगहों पर पानी भर चुका है। इसकी वजह से रेल और सड़क ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। हिंद माता जंक्शन को बंद कर दिया गया है। नाला सोपारा स्टेशन पर अप फास्ट लाइन को बंद किया गया है। सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर लोकल ट्रेन 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही है। विरार और दहानू के बीच लंबी दूरी की ट्रेनों को रोक दिया गया है। ठाणे में भी यही हाल है। ठाणे के गायमुख इलाके में पानी भर चुका है। ठाणे से घोड़बंदर जाने वाली ट्रैफिक को रोका गया है। मुंबई के करीब पालघर में वसई में भी भारी बारिश से पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश का भी अनुमान लगाया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे अब लोग इस पानी से दो चार होते हुए ही जा रहे हैं। हाथों में जरूर छतरी ली हुई है लेकिन घुटनों तक पानी है और हर तरफ मुंबई में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये बात कही भी गई है मौसम विभाग की ओर से कि अगर ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकले। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक घर में बैठा जाएगा, क्योंकि ये बारिश जो हर रोज हो रही है जिससे जल स्तर बढ़ा हुआ है। इस वक्त हम मुंबई में हिंदमाता जो इलाका है वहाँ पे खड़े हुए हैं और बारिश के दिनों में हिंदमाता का जो इलाका है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पानी से जो लबालब हो जाता है और उसका ही दृश्य सोमवार की सुबह कामकाजी सुबह है, पहला दिन हफ्ते का, और आप देख सकते हैं पानी कितना इस पूरे इलाके में भर चुका है। जो आने वाली गाड़ियां हैं, जो बड़े ट्रक हैं, वो ही इस वक्त यहां पे आ पा रहे हैं। दिक्कत की ये बात है, कई गाड़ियां ऐसी हैं जो बंद हो गई हैं। इस वक्त आप जो एक बस खड़ी हुई दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बस बंद हो गई है और उधर से आने वाली सारी गाड़ियां इस वक्त बंद हो चुकी हैं। कोई भी गाड़ी मूव नहीं कर रही है इस वक्त यहाँ पर, और छोटी गाड़ियां जो भी हैं वो भी अवॉइड कर रही हैं, क्योंकि हिंद माता से के अलावा वडाला, कुल्ला, इसके अलावा सायन, किंग सर्कल, ये जितना निचला इलाका है, सोमवार की सुबह पहला कामकाजी दिन होता है और उसके साथ ही सुबह चूँकि बारिश लगातार आ रही है और IMD डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि ये जो सिलसिला है ये अभी दो दिन और चलने वाला है। और जाहिर तौर पर कल रात पूरी रात बारिश हुई है, कल दिन पूरा बारिश हुई है और आज सुबह बारिश का जो क्रम है, बारिश का जो वॉल्यूम है, वो बहुत बढ़ गया है और उसकी वजह से जितने निचले इलाके हैं वाटर लॉगिंग की समस्या इस मौसम की शुरुआत, जो बरसात का मौसम है, उसकी शुरुआत से ही हम देखने के लिए मिल रही थी और अब ये परेशानी यहाँ पर लोगों के लिए और ज़्यादा मुसीबत है। ये जो बाइकर हैं, इनकी बाइक यहाँ पर हो गई है। एक बार बात करना चाहूँगा, कहाँ तक कि आप कहाँ कौन से इलाके से आ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ अंधेरी वेस्ट से। और ये अभी कौन कौन से इलाके में पानी भरा हुआ है? फिलहाल तो आते वक्त देखा कि दादर की तरफ है, हाँ, और ये परेल, हिंद माता ये तो पूरा डूब गया। आप ऑफिस जा रहे थे? यस, ऑफिस ही आया हूँ और कस्टमर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, दिक्कत बढ़ जाती है ऐसे टाइम? बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा, ये लोग हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, वो देखिए, ये जो रास्ता आ रहा है ये दादर से आता है और ये जो इसके जो ब्रिज है, यहाँ से जो रास्ता जो कनेक्ट होता है वो CST के लिए आगे जाता है। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि मुंबई के जितने भी निचले इलाके हैं उनमें पानी भरने की शुरुआत हो चुकी है और इसका खामियाजा अब यहाँ से लोगों को उठाना पड़ेगा। हालांकि BMC के जो कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं सामने, जगह जगह में उनको तैनात किया गया है ताकि अगर जैसे ही जो भी मेन हॉल्स हैं उनके पास उनको खड़ा किया गया है, उनको खोल दिया गया है और चूंकि कोई गाड़ी वहाँ ना गिर जाए या कोई शख्स वहाँ ना गिर जाए, इसके लिए एक तैयारी जो है BMC की तरफ से, आप देख सकते हैं जगह जगह पे BMC के कर्मचारियों को खड़ा किया गया है। लेकिन अभी जो बरसात का अलर्ट है वो हाई है, हैवी और वेरी हैवी रेनफॉल यहाँ पर एक्सपेक्टेड की जा रही है और अभी दो दिन बाकी हैं। ऐसे में मुंबई वासियों के लिए परेशानी कितनी बढ़ने वाली है ये अब देखने की बात है। तो भागती दौड़ती मुंबई को फिलहाल बारिश ने रोक दिया है। तो महाराष्ट्र के ठाणे में भी पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। लोग किस तरह से परेशान हैं ये समझिए। ये देखिए, दुकानें बंद हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से कोई नदी बह रही है, यहाँ सड़क नजर ही नहीं आ रही है। अब अंदाज़ा लगाइए कि कितना पानी यहाँ पर भरा होगा और जब ये पानी हटेगा तो फिर क्या स्थितियाँ होंगी। तो ठाणे से तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर चीज़ें पानी में ही डूबी हुई नजर आ रही है, चाहे दुकानें हो, घर हो, मशीनें हो, सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पानी की जद में नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं ठाणे से, ये देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा समंदर ही सड़क पर आ गया है।
गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर। सोचिए अगर पानी का और तेज बहाव हुआ तो फिर क्या हालत होगी, गाड़ियां भी कहीं बह ना जाए। पानी की रफ्तार को भी देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर जल भराव की स्थितियां रही होंगी। बस खड़ी है, गाड़ियां खड़ी हैं और सब चीजें जो जहां है वहीं पर अटक सी गई है। अमित कोटेचा हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से। अमित, जो तस्वीरें ठाणे की इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तो ये बता रही है कि बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल, यहाँ पे श्वेता आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई का, थाने का, पालघर जिले का अगर आपको बताऊं तो बहुत ही बुरा हाल चल रहा है यहाँ पे इस वक्त फिलहाल। कल रात से ही बारिश हो रही थी, पर कल भी सुबह के समय में हमने देखा कितनी जोर से बारिश हो रही थी। बीच में कुछ समय के लिए थम हो गई थी, फिर रिमझिम बारिश शुरू हुई। कम से कम ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि यहाँ थोड़ी मुंबई वासियों को राहत मिल जाए, लेकिन ये उनकी गलत विचारधारा थी क्योंकि अभी मुंबई के नसीब में कुछ और लिखा हुआ था। इतनी जोर से कल रात से बारिश शुरू हो गई, मुंबई ऐसा समझ लो कि आधी मुंबई पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। मुंबई के टाउन इलाके से हिंद माता, भारत माता, सायन, परेल सब इलाका डूबा हुआ है। ईस्टर्न सबर्ब्स में भी, सायन साइड में, कुर्ला साइड में भी, जो थाने की तस्वीरें हम देख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे समंदर ही सड़क पर आ गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये जो थाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा नजारा है कि पूरा समंदर जमीन, पूरा समंदर सड़क पे आ गया है। 140 मिलीमीटर की बरसात हुई है एक कल की रात में बारिश की। आप देख रहे हैं, आप जिस तरीके से जो नजारा दृश्य देख रहे हैं अभी, इसी तरीके का दृश्य पूरे मुंबई की तरफ भी आता है। वेस्टर्न सबर्ब्स में भी अंधेरी सबवे को बंद करवा दिया गया है, साथ ही साथ वसई के इलाकों में, जो थाने इलाके के, जो पालघर इलाका, जिला पालघर जिला जुड़ा हुआ है, उसमें भी इसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, जिससे मुंबई की लाइफलाइन को, नाला सुपारा के आगे बहुत ही लेट गाड़ियां चल रही है क्योंकि ट्रैक्स पे पानी भर चुका है। मुंबई की लाइफलाइन के पूरे ट्रैक्स पे भी पानी भर चुका है, जिस वजह से लोकल ट्रेन भी बहुत ही स्लो जा रही है। तकरीबन सेंट्रल रेलवे 10-15 मिनट के लिए, वेस्टर्न रेलवे 5-10 मिनट के डीले पे, यानी कि समझ सकते हैं कि जो डीले हो रही है को। अमित, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल धन्यवाद। तो इस वक्त तस्वीरें अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं मुंबई की, जहां अगर कोई एक चीज समान नजर आती है तो वो है जलभराव। और ऐसे में अब लोग कैसे अपने दफ्तर पहुंच रहे होंगे, कैसे वो जरूरी काम निपटा रहे होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि ऐसी बारिश 2-3 दिन तक और जारी रह सकती है। तो चलिए बात जरा हिंद माता की भी करते हैं। मुंबई के हिंद माता में रेलवे जंक्शन बंद किया गया है क्योंकि रेलवे की पटरियों में भी पानी आ चुका है और ऐसे में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। लोकल जो मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है वो भी किस तरीके से थम सी गई है। कई ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं, सड़कों का हाल बुरा है, तो रेलवे ट्रैक पर भी पानी आ जाने से ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। क्योंकि मुंबई की ज्यादातर आबादी लोकल ट्रेन के जरिए ही सफर करती है, अब अंदाजा आप लगाइए कि कैसे लोग अपना सफर करेंगे, क्योंकि रेल की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं, सड़कें पहले से ही पानी में लबालब हैं और अब ऐसे में कोई अपना काम निपटाए तो कैसे निपटाए। ये हाथों में छतरियां हैं लेकिन घुटनों तक पानी है। तो मुंबई सटे वसई में भी बारिश ने हाल बेहाल करके रखा है। कई जगह पानी में गाड़ियां डूबी हुई हैं, वो भी अब आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे। देखिए, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं मुंबई में, जहां पर पानी से गुजरती हुई ये गाड़ियां, यानी कि ये देखिए कैसे बारिश ने भले ही जिंदगी की रफ्तार को रोकने की कोशिश की हो, रोज जो कामकाज होते हैं उस पर लगाम लगाने की कोशिश की हो, लेकिन कोई भी काम रुकता नहीं है। हर कोई अपने जरूरी काम निपटा रहा है इस पानी से दो चार होते हुए, सिर पर छतरी लेकिन क्या करे पैरों का, क्योंकि उसको तो पानी से होकर ही गुजरना पड़ेगा। बारिश की वजह से दिक्कत हुए और हर जगह पे पानी भर गए। मैं आ रहा हूँ नाला सपारा से और बारिश इतना ज्यादा है तो टैक्सी भी मिल नहीं रहा है, ओला बुक कर रहा था, ओला वाला अंदर नहीं आ रहा है, तो परेशानी तो हो ही रही है। बहुत बारिश से प्रॉब्लम है, 8 दिन से प्रॉब्लम है, अभी आज सुबह 2 दिन से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत आ रही है, पानी बहुत जमा है, उसके वजह से ट्रेन बहुत लेट है। ऊपर से आई हूँ तो इतना दिक्कत तो कुछ आई नहीं है, थोड़ा सा ट्रेन लेट है लेकिन चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं।